हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, आज आपको वीडियो में कुछ ऐसा ही नज़ारा मिलेगा देखने को। तो ठीक है, थोड़ी सी सब्र रखिए। और अभी आज हम ब्लॉग शुरुआत कर रहे हैं सुबह से। तो बस यहाँ चाय हमारा हो रहा है, तो इसके बाद में कुछ ही देर के बाद में आप सबको अभी जो शोभा यात्रा हमारे यहाँ होने वाली है उसे आप सबके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप सब वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना। बहुत तेज की ठंडी है शोभित, यहाँ आना। तो मैंने एक सूट रिश्त भी डाल दी है कि सूख जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको मुबारक हो। विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो अभी गर्मा गर्म चाय होने वाली है, मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए। आज की वीडियो जो होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना क्योंकि आज हमारे यहाँ जो है शोभा यात्रा है। तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगी, क्लिक लूँगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग पूरा देखना प्लीज, इसकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप लोग इतना अच्छा इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए सारे लोग आ गए। ये बड़ा वाला जो कलश है, तो बड़ा वाला कलश है यही, इसे क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये कलश जाता है शोभा यात्रा में। तो मैंने कहा चलो आप सबको नज़दीक से दिखा देते हैं। तो बस मुझे लगा कि आप सब नहीं दिख पाए थे, इसलिए मैं दूर की वीडियो थी उसे जूम करके मैं आप सबको अभी दिखा दूँगी। और इधर देखिए DJ भी आ रहा है, और जो डांस वगैरह करेंगे हनुमान जी, कृष्ण और क्या बोलते हैं राधा जी। यहाँ देखिए कलश आप सबको दिखाई दे रहा है, मैंने जूम कर दिया है। बहुत अच्छा।
भी सब लोग डांस करते हुए आएंगे। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं हनुमान जी डांस कर रहे हैं, ठीक हमारे बिल्कुल द्वार के सामने ही खड़े थे सड़क पे, तो मैंने कहा चलो यहीं से रिकॉर्ड कर लेते, मैं बाहर नहीं गई थी, तो चलो आप सब भी सुन लो गाना, इंजॉय कर लो। तो हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरे द्वार के पास में ही पेड़ लगा था कुछ घरों के बगल में, यानी तो बस उसी कदम के पेड़ की वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, तो मैं जूम करके ले रही थी। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ शोभा यात्रा होता है। अगर लॉकडाउन ये वाला जो सिस्टम ना होता तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती, लेकिन अगले साल तो हो ही नहीं पाया था। और यहाँ देखो कृष्ण राधा भी डांस कर रहे थे, लेकिन दिख ही नहीं रहा था, तो बस ये जो पत्ते लगे थे इस वजह से नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने ऐसे ही क्लिक ले ली थी। चलो आप लोग थोड़ा ही देख लो, इसके बाद में जो दूसरा वीडियो आएगा वो तो ज़रूर आएगा। ये जागरण का बहुत ज़्यादा इंजॉय आप सब करोगे, तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग को पसंद ही आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो पहले आप लोग लाइक कर दो, बोलना मत, नहीं तो आप सब लोग भूल ही जाओगे लाइक करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर नए हो मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, जो पूजा में लगेगा ये सब सामान मैंने इकट्ठा करके रख लिया, हल्दी वगैरह जो भी कुछ लगता है सब हमने इकट्ठा कर लिया। हमारे पति देव पूजा में बैठेंगे तो उनके लिए मैंने सारे सामान इकट्ठा कर दिए, वस्त्र वगैरह जो लगते हैं तो उसके लिए मैंने वस्त्र वगैरह रख दिए, जैसे साड़ी लगती है देने के लिए और एक गमछा लगता है, तो मैंने ये सब रेडी कर लिया है और सब कुछ मैंने रख लिया है। और जो आगे का वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।